पुलिस वालों को तो शर्म आनी चाहिए भाई, आप लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, दिख रहा है वहां पे सामने लोग गोली मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं और आप खड़े हैं वहां पे। आई मीन कोई कॉन्शियस नहीं है आपका, कोई दीन ईमान नहीं है आपके पास, कोई मॉरल कंपस नहीं है। आप लोगों ने शायद मेरे 11 जनवरी या 12 जनवरी को पोस्ट किया हुआ वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कहा था कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्हें शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके उनके साथ बात करनी चाहिए और नहीं तो ये बात बिगड़ जाएगी। आज आप देख रहे हैं हमारे देश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है खास करके। तो सोचिए जरा कि कभी क्या हमारा इसमें कुछ हिस्सा है, आर वी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम? Because I think somewhere, while we were sleeping in these 6 years, when the cow lynching was going on, when the mob lynching was going on, Bulandshahar mein jo riots hue, jo Meerut mein jo scenes hue, jo UP mein hua, jo pure desh mein kahin na kahin kuch na kuch aise pichle 6 saal se jo chal raha hai, hum log sab so rahe the, apni nidra mein the aur hume laga tha ki humse, hamare sath ye nahi hoga, hume ye touch nahi karega. Kisi ne socha bhi nahi tha ki hamari rajdhani mein aisa kuch hoga jis tarah se abhi 24-25-26 को हुआ है फरवरी में। इसमें एक और हाथ मेरे मुझे लगता है मीडिया का भी है, क्योंकि वो मीडिया जो हर बार लोगों को अदराइजेशन में बिजी रहती है, मतलब वो लोग और हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जो डिवाइड उन्होंने शुरू किया है, इसके अलावा जो टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, इस तरह की जो भाषा यूज करते हैं और हम उन चैनल्स को देखते भी हैं, सो आई थिंक दे ऑल्सो हैव अ हैंड इन दिस एंड उनको भी पूछना चाहिए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति। इसके अलावा जो हमारे जो एमपीज हैं, आपको पता है बीजेपी के 7 MPs में से 5 MPs के एरिया में ये राइट्स हुए हैं, उनमें से किसी एमपी के दिन में ये आवाज नहीं आई कि भाई आई शुड गो एंड मीट दोस पीपल जिनको जिनके साथ राइट्स हुए, और शायद वो जाते तो उनके साथ मीडिया जाती, प्रेस जाती, तो शायद राइट्स इतने आगे, ये आग इतनी फैलती नहीं। उन्होंने क्या सिर्फ हमें वोटों के लिए इस्तेमाल किया है? सोचना चाहिए आप लोगों को इस बात को। ये जो कम्युनल हेट्रेड, ये कम्युनल डिवाइड ना, ये किसी के फायदे के नहीं है एक्सेप्ट पॉलिटिशियंस के, और ये हमारे देश को तोड़ रहा है, ये हमारे देश को तोड़ रहा है, हमारे जो इकोनॉमी है उसे और बर्बाद कर रहा है। जब उन्हें ऐसी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि भाई GDP ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हमारी लेडीज सेफ है कि नहीं, बच्चे सेफ है कि नहीं, बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, हेल्थ केयर, वो इसी में लगे हुए, हिंदू मुस्लिम क्यों, आपने कभी सोचा है? क्योंकि जैसे ही वो डिवाइड करेंगे एक पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस का फायदा होता है, क्योंकि जो हिंदू होते हैं वो हिंदू की तरफ चले जाते हैं, जो मुस्लिम होते हैं मुस्लिम की तरफ, जो बीच में जो फेंस सिटर्स होते हैं ना, वो फिर स्वे के साथ काम करते कि भाई उस वक्त इसका स्वे चल रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू लुक इनटू। हम लोगों को सचमुच सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये जो खेल हो रहा है सिर्फ वोटों के लिए, वो हाथ जोड़ के हमारे सामने आते हैं, जब प्रॉब्लम होता है तो कोई सामने नहीं खड़ा होता। और इसमें मैं जो दिल्ली के सीएम है उसको भी दोषी ठहराऊंगी, वो कम से कम जा तो सकते थे, वो क्यों नहीं गए? वो शाहीन बाग वालों से बात तो कर सकते थे। हमारे अमित शाह जी तो घोड़े पे सवार है और वो कहते हैं वो किसी से बात नहीं करेंगे, वहां पर भी मुझे कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। आप देखिए कोर्ट्स को भी, या पुलिस और कोर्ट्स, उसके बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कोर्ट्स ने भी कुछ ऐसा संज्ञान नहीं लिया, या तो वो सू मोटो कॉग्निसेंस ले सकते थे, FIR रजिस्टर करवा सकते थे, उसके ऊपर वो लोग एक्शन ले सकते, लेकिन बल्कि वो उसके बदले क्या कर रहे हैं, वो मीडिएटर्स भेज रहे हैं, इंटरलोक्यूटर्स भेज रहे हैं कि भाई आप जाके बात करिए। ये कोर्ट्स का काम नहीं है, कोर्ट्स का काम है कि आप लॉ पर डिसीजन दें, CAA लीगल है या इलीगल है, वैलिड है या इनवैलिड है, आप उसके ऊपर रूलिंग करिए। आप इंटरलोक्यूटर्स भेज के आप अपनी इज्जत भी खतरे में डाल रहे हैं और लोगों का फेथ भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरलोक्यूटर्स गए और उनकी बात नहीं मानी गई तो कोर्ट, सबकी नजर में कोर्ट का पोजीशन, उसकी अथॉरिटी जो है वो कम हो जाएगी। एंड इफ दे अग्री देन इट लुक्स लाइक इट विल बी लाइक एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम द गवर्नमेंट विल से कि कोर्ट विल डिसाइड। उससे क्या होगा कि गवर्नेंस का रूल जो है वो कोर्ट के पास आ जाएगा,
एंड उसके बाद ऑर्डर पास करने के बाद भी आज आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर इतने ऑर्डर्स पास किए जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा. सो वी हैव टू सी एज अ लॉजिकल थिंकिंग इंडियन, वी मस्ट सी कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है. नाउ लेट्स थिंक कि क्या जुडिशरी और पुलिस क्या वो प्रेशर के अंडर है, आर दे अंडर प्रेशर, आर दे फंक्शनिंग बिकॉज दे वॉन्ट टू प्लीज उनके जो पोलिटिकल आकाज है. पुलिस जो है वो एक ऐसे लॉ से अभी आज तक उस ऐसे लॉ से गवर्न है या उसको फॉलो करते हैं जो 19th सेंचुरी का पुराना लॉ था जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था. तो दिल्ली की पुलिस खास करके वो ऐसा दल था जो कॉलोनी जो हमारे कॉलोनाइज कॉलोनी के जो मालिक थे मतलब ब्रिटिशर्स थे उनके कभी भी जरूरत हो तो पुलिस वहां पे उनके लिए आके खड़े हो जाए, मतलब देवर सपोज टू बी देयर रक्षा बल. तो अब आज की तारीख में हमारे पास ना तो ब्रिटिशर्स है और ना ही वो मतलब राजपाट है. सो व्हाट डू वी नीड द पुलिस फॉर? वी नीड द पुलिस टू हेल्प अस एंड टू मेक श्योर दैट देयर इज लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी और इन व्हिच एवर स्टेट, बट दे आर स्टिल आंसरेबल टू द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ हूएवर इज गवर्निंग गवर्निंग द कंट्री. सो दिस हैज टू चेंज. 2006 में प्रकाश सिंह जी एक आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खास करके बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स मेंशन किए थे एंड उन्होंने लेड देम आउट एंड दे सेड दिस हैज टू बी डन. 2006 की बात है. सो डोंट यू थिंक दैट सिटीजंस वी शुड डिमांड दैट द पुलिस शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजंस एंड ओनली एक्ट ऑन लॉ? वेयर वाज द पुलिस? 13,000 कॉल्स गए हैं पुलिस के पास ड्यूरिंग दीज 3 days ऑफ राइट्स और पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई आया नहीं. बल्कि पुलिस वालों की तो अलग ही कहानी है. पुलिस वालों को तो शर्म आनी चाहिए भाई, आप लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, दिख रहा है वहां पे सामने लोग गोली मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं और आप खड़े हैं वहां पे. कोई कॉन्शियस नहीं है आपका, कोई दीन ईमान नहीं है आपके पास, कोई मॉरल कंपस नहीं है. व्हाट इज द होम मिनिस्टर डूइंग? होम मिनिस्टर को एक बार भी नहीं सूझा कि वो जाकर बात करे या ऑर्डर्स दे. ऊपर से आपने अजीत डोवाल जी को भेज दिया. अजीत डोवाल जी का जो मैंडेट है वो और व्हाट हिज जॉब इज टू सी द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, द सेफ्टी ऑफ द कंट्री. ही इज नॉट सपोज टू बी डूइंग लुकिंग आफ्टर व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सिटी ऑन द ग्राउंड लेवल और ऑन द स्टेट ऑन द ग्राउंड लेवल. मतलब आपने पहले ही हार मान लिया, यू हैव एक्सेप्टेड कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो रिजाइन कर दीजिए. अगर आप बात भी नहीं करना चाहते, एक डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड इफ यू डोंट वांट टू हैव अ डायलॉग विद द पीपल देन व्हाई आर यू सिटिंग ऑन दैट चेयर? थिंक अबाउट द सीएए, उसको रिव्यू करिए, सुनिए लोगों की बात. दिस इज योर जॉब, यू आर इलेक्टेड. 2014 में 2019 में आपको इतने भारी बहुमत से लोगों ने जिताया है, आपको नहीं लगता कि यू आर आंसरेबल? और आपके आंखों के नीचे, आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो आप उसमें बिजी थे, कम से कम आप इधर भी तो ध्यान देते हैं. और दिख रहा है, अब एक बात बताइए, शाहीन बाग और चांद बाग, ये पिछले 2 महीने से लोग, शाहीन बाग पिछले 70 दिनों से है दे आर सिटिंग ऑन धरना एंड चांद बाग में भी करीब 1.5 महीने से है, कभी एक भी वायलेंट सिचुएशन का आप लोगों को कभी भी आप पता चला? कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ. जब अनुराग ठाकुर ने गोली मारो सालों को बोला तब वहां जाके किसी एक बंदे ने जाके बंदूक तानी उनके ऊपर. जब वारिस पठान ने ये सब बोला कि भाई हम 20 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भारी पड़ेंगे, ये सब इनरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स. उसके बाद कपिल मिश्रा जी गए, परवेश जी जो है वो बीजेपी के जो MP है उन्होंने कहा कि भाई ये सब आपके घरों में घुसकर आपको रेप करेंगे. अरे महिलाएं बैठी है भाई, वो क्यों घर में घुसकर रेप करेंगी? ये सब सेंटेंसेस बोलने के बाद वायलेंस क्रिएट हुआ है, नहीं तो वायलेंस था ही नहीं. और आपने इन लोगों को उकसाया है. इनके खिलाफ FIR कब दर्ज होंगे हमको पूछना चाहिए एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री. ये सारे जो है वारिस पठान, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, लेकिन उस टाइम सब लोग चुप थे क्योंकि इलेक्शन में उनको लगा इसका फायदा होगा, लेकिन जनता ने उनको सही जवाब दिया. और चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जब तक हम लोगों को इस तरह कम्युनल डिवाइड करते रहेंगे तब तक हमारा देश आगे भी नहीं बढ़ेगा और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बहुत ही भद्दे नजरिए से लोग हमको देखेंगे. हमारे बच्चे जब जाएंगे पढ़ने के लिए, जब टूरिस्ट जाएंगे, तो जो भी रिस्पेक्ट इंडिया ने पाया था वो सारा रिस्पेक्ट हमने खो दिया है. एंड वी डोंट वॉन्ट दिस, हम नहीं चाहते कि आपका जो पोलिटिकल गेम है वो हमारे पर आप हम पे ला दें. और मैं एक बात सिटीजन से भी कहना चाहती हूँ,
हम लोग जो रिलीजन को सड़क पे लेकर आते हैं ना, इसको मत करिए। हम अपने घर में अपने पूजा पाठ करो, अपना धर्म आप अपनाओ, अपने फेस्टिवल्स मनाइए, लेकिन जो ढोल पीट के, या तो दुर्गा पूजा में हम जोर जोर से ढोल पीटते हैं, फिर ईद के या मुस्लिम त्योहारों में हम अपने ताजिया निकालते हैं, कि हम जब तक हम इस तरह से बंद नहीं करेंगे तब तक पॉलिटिशियन इसका फायदा उठाते रहेंगे, तब तक हम सबके घर जलते रहेंगे और हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप जब भी देखो डिबेट्स वगैरह में ना, लोग कहते हैं कि भाई पीपल आर बीइंग इनकन्वीनियंस, शाहीन बाग ने रोड ब्लॉक कर दिया, चांद बाग ने रोड ब्लॉक कर दिया, या जब मेट्रो पर वो धरना हुआ था, जब वायलेंस जहां से शुरू हुआ था मेट्रो स्टेशन के पास जो धरना किया था मौजपुर में शायद, तो लोग कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप जगह खाली करिए। देखिए कोई भी प्रोटेस्ट जो होता है, एनी प्रोटेस्ट इज गोइंग टू मे हैव एन इनकन्वीनियंस फैक्टर इन इट। अगर इनकन्वीनियंट नहीं होगा तो वो प्रोटेस्ट नहीं होगा। और किसी को अगर अपनी बात मनवानी हो और प्रोटेस्ट में बैठना हो तो बाकी लोगों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होना जरूरी है, नहीं तो वो प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोग सब भूल गए तहरीर स्क्वायर, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, अपने जो दलित आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन होते हैं, गुजर आंदोलन, उसमें सब रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है, हमने उनके बारे में कभी नहीं कहा। 1960s और 1970s में फेमिनिस्ट मूवमेंट, जब लोग जेंडर इक्वालिटी के लिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में जब लड़ रहे थे, तो देयर वाज सो मच ऑफ इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस इज पार्ट ऑफ अ प्रोटेस्ट, एंड इनकन्वीनियंस होगा तो ही सरकार सुनेगी। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार बहरी भी है और अंधी भी है। एंड इनकन्वीनियंस के लिए जो बाकी सिटीजन से मैं कहना चाहूंगी कि आप जाके देखिए कि जहां जिस तरह से शाहीन बाग में हो रहा है, जिस तरह से लखनऊ में जो बैठे हैं वहां पे एक बाग में, वहां पे भी बैठे हैं लोग, तो दे आर सिटिंग देयर पीसफुली और वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सुनने, अपनी बात कहने के लिए बैठे। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो कम से कम होम मिनिस्टर या कोई भी मंत्री, जो मतलब कायदे का औहदे वाला कोई मंत्री हो, वो जाके उनके पास बात करे या उनसे बोले कि आप अपना एक डेलीगेशन लेकर आइए? इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तो क्या ये फेलियर ऑफ गवर्नेंस नहीं है? एंड लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, दे हैव द राइट टू डिसेंट। आपको सिर्फ ये आपने देख लिया कि आपने एनआरसी जो सुप्रीम कोर्ट के तहत आपने किया था असम में, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। आपने देखा 19 लाख से ज्यादा लोग एनआरसी के बाहर है, तो ये डर जो लोगों के अंदर है, आपकी जो चुप्पी, इतने साल से आप जो चुप है, 5-6 साल से प्राइम मिनिस्टर कोई भी मॉब लिंचिंग के बारे में, कोई भी चीज के बारे में बोलते नहीं है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आप कैसे भरोसा दिलाएंगे लोगों को कि आप उनकी बात सुनेंगे? इसीलिए ड्रास्टिक टाइम्स आस्क फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, एंड द ड्रास्टिक मेजर इज कि भाई इन लोगों को इस तरह से बैठना पड़ा। अब ये बैठे हैं तो कम से कम आप अपनी तरफ से कुछ करिए। आज के जमाने में हमने ये सोचा देखा है कि पॉलिटिशियंस को, या हमारा परसेप्शन पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा है कि अगर वो झुक गया तो कमजोर हो गया। हमारे हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि जो जिद्दी आदमी है ना, वो सही आदमी नहीं है। धर्म हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि स्टबननेस इज द डाउनफॉल ऑफ एनीबडी। और ये जो चाणक्य हम लोग करते रहते हैं ना कि अमित शाह जी चाणक्य है, ये चाणक्य है और चाणक्य नीति, भाई ये हमको चाणक्य नीति नहीं चाहिए। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास कानून है, और हम राजपाट नहीं है। राजपाट में चाणक्य की जरूरत थी, जब लिखा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लॉज नहीं थे, तब राजा अपनी मर्जी से करता था, कोई उसको एडवाइस करता। वी डोंट नीड अ चाणक्य, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट द बैड ऑप्टिक्स, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की विजिट पर हम लोगों ने 100 करोड़ से ऊपर खर्च किया। कहां से किया, क्यों किया, कौन सी संस्था ने किया, वो सब बात की बात है, वो कहानी फिर सही, लेकिन ये हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा था। ओके, ये खर्च हुआ और हमने क्या कोशिश किया कि हम एक बहुत अच्छा रोजी पिक्चर पेंट करें हमारे देश के बारे में, और क्या हुआ इसका रिजल्ट, ये जो राइट्स है और ये जो सब जो जिद्दी जिद है हमारे कुछ लीडर्स की, और जो नॉट हैविंग अ डायलॉग, ये सब की वजह से क्या हुआ, पूरा इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ रायट हिट दिल्ली के बारे में बात कर रहा है। इससे क्या होगा, हम कहेंगे कि हमको क्या फर्क पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचे, बहुत फर्क पड़ता है। America is a very powerful country, and in the United Nations, it holds a lot of steam and lots of power. United Nations में हमारे बहुत सारे international issues होते हैं। कश्मीर, पाकिस्तान और कश्मीर का issue देख लो। अगर America ने choose किया कि हम इनको support नहीं करेंगे, तो ये China और पाकिस्तान की जो nexus है, उसको और strengthen करेगा।
जब ऐसा कुछ होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे यूएन के जो हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर है, उन्होंने खास टिप्पणी की है ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ सीएए, ऑन द ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ कश्मीर. आज मेरे ख्याल से 6 महीने या द मैक्सिमम लॉन्गेस्ट टाइम की इंटरनेट बंद है किसी भी देश में, हमने रिकॉर्ड सेट कर लिया कश्मीर में इंटरनेट बंद करके. सो दिस काइंड ऑफ जो हमारा जो ऑप्टिक्स है, जिसका इस तरह के जो हमारा परसेप्शन है लोगों के बारे, लोगों को हमारे बारे में, या परसेप्शन जो जा रही है बाहर, ये हमारी इकोनॉमी, हमारे टूरिज्म, हमारे जीडीपी, हमारे डेवलपमेंट, हमारे बच्चों के फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट करेगा. सो वी जस्ट कांट से कि इट डजंट मैटर. इसके अलावा इंटरनेशनल इंटरवेंशन, हमें बहुत सारी चीज जरूरत पड़ती है इन द यूएन. हो सकता है कि हमें कोई भी देश सपोर्ट ना करे, एंड हो सकता है हम पर सैंक्शन हो जाए. हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन आए कि हमको कंप्लीटली साइडलाइन किया जाए. तो जो चीज मोदी साहब ने 2014 में शुरुआत की थी, बहुत ट्रैवल किया उन्होंने बहुत देशों में, और लोग बिल्कुल मतलब हाउडी मोदी में आपने देखा लाखों लोग आ गए और वो सब उनको उनकी तारीफ कर रहे थे. बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड. देयर वाज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द यू नो द ऑप्टिक्स ऑफ व्हाट और द परसेप्शन ऑफ इंडिया. लेकिन वो सब एक झटके में खत्म हो गया, और ये लास्ट 5-6 साल से साथ साथ चल रहा है. सो वी नीड टू रियली लुक एट दिस सीरियसली, एंड एज सिटीजन्स इट इज आवर ड्यूटी, नॉट ओनली हमारे देश के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, दैट वी मस्ट रियलाइज दैट द मोर वी फॉल प्रे इन टू द हैंड्स ऑफ दीज पोलिटिकल लीडर्स एंड द पोलिटिकल ड्रामा, और इनके अलगाववादी एजेंडा में जितना भी हम और घुसते चले जाएंगे, उतना ही दलदल में हम घुसेंगे, और किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ इनका नुकसान होगा. खैर, बहुत सारी चीजें मैंने नेगेटिव आपको बता दी, इसमें से कुछ पॉजिटिव स्टोरीज आई हैं. नहीं, एक और नेगेटिव है, सॉरी, मुझे याद आया. हमारे कभी कभी ना मुझे अपने नेशनल कैरेक्टर पर शक होता है, हमारे देश के कैरेक्टर पर, मतलब हमारे लोगों के कैरेक्टर पर. एक बीएसएफ का जवान जो उड़ीसा में बैठा हुआ है, हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है और हमारे देश के लिए काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसका घर हमने जला दिया. मतलब फॉर वॉट, वाई द पीपल हु आर, जो हमारे हम जिनकी वजह से शांति से सो पाते हैं, हमारे आर्मी, हमारे एयरफोर्स, हम उनके उनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको भी इस दलदल में डाल देंगे. इट्स वेरी सैड. पॉजिटिव स्टोरीज ये है कि एक सुभद्रा मुखर्जी करके एक लेडी है, शायद बीजेपी मुखर्जी है, उनका नाम सुभद्रा है, शी इज अ बीजेपी लीडर फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम वेस्ट बंगाल. शी हैज सेड शी डजंट वांट टू बी इन अ पार्टी विच हैज पीपल लाइक कपिल मिश्रा एंड अनुराग ठाकुर एंड दीज पीपल. सो देयर इज सम कॉन्शियस लेफ्ट. She resigned. I'm not saying कि लोग, और मैं यहाँ पे फिर से कह रही हूँ, सब लोगों ने, सारी पार्टीज ने, चाहे वो आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, उन्होंने सारों ने इस जो मतलब कम्युनल डिवाइड को की कोशिश की है. कभी एक वर्ग को ज्यादा पैंडर किया, कभी एक वर्ग को ज्यादा मतलब अहमियत दी है, सब ने किया है. और ये हमारे हाथ में है कि वी शुड स्टॉप, वी शुड टेल देम अब बस हो गया, अब नहीं होगा. सो दिस इसके अलावा जो अच्छी बात हुई है, मतलब अच्छी चीजें जो निकली है इसमें से, हालांकि बहुत ही दुख भरी कहानियां सब, लेकिन प्रेमकांत बघेल जैसे इंसान जिन्होंने अपने नेबर्स 15-20 मुस्लिम फैमिली को उन्होंने रक्षा, मतलब उन्होंने सुरक्षा दिया, उन्होंने उनका ध्यान रखा, राइट्स के टाइम उनको बचा के रखा, अपने घर में शेल्टर दी, तो ऐसी कहानियां भी हैं हमारे पास. एंड इट्स ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट I just wish that we stop this communal hatred. We raise a voice when it's necessary. हम लोग मुंह खोले बोले, चाहे सोशल मीडिया पे सब लोग बोलते हैं कि हमें डर लगता है, और सचमुच डर का माहौल पैदा किया गया है. जैसे जस्टिस मुरलीधरन को एक झटके में रातों रात ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए कहा, जैसे रामचंद्र गुहा को अरेस्ट किया, मतलब ये सब एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं. जो 3 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए हैं अभी, अंडर हाउस अरेस्ट है या इन जेल है या पता नहीं कहाँ रखे उनको, ये सब हमको जानबूझ के ये ऑप्टिक्स हमारे साथ किए जा रहे हैं, ताकि हम लोग डरे, हम लोग कुछ बोले नहीं. एक स्कूल की बच्ची जिसने कुछ प्ले किया सीए के बारे में, उसको उसकी माँ और उसकी टीचर को जेल कर दिया सेडिशन के तहत. JNU, AMU, गार्गी, मेरठ, ये सब जो है ना, ये सब हमें डराने के लिए किया गया है. सो भी हमको डरना नहीं है. प्लीज आपकी जितनी भी छोटी सी कोशिश भी हो,
छोटी सी पहल भी हो हमारे देश के काम आएगी। और आखिर में ये कहना चाहती हूँ, जितने भी भाई बहन, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जिनके घर जले हैं, जिनके घर के परिवार के सदस्य को मारा गया है, उन सब के लिए सबसे पहले जो मरे हैं उनके लिए श्रद्धांजलि, और जो बाकी जिंदा हैं हम सब उनको सपोर्ट करें। अंकित मिश्रा एक आईबी इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसको मार डाला, तो रतन लाल, दीज पीपल आर ये सब अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैं एक बार फिर से सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA, ये कहाँ थे? अगर उनको पता था कि दंगा होने वाला था, उन्होंने क्यों नहीं रोका? और अब कैसे रुक गया है? इसका मतलब पॉलिटिकल विल नहीं था। जब पॉलिटिकल विल हुआ तब ये बंद हुआ है। प्लीज अपने आंखें खोलिए एंड देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जय हिंद। विद इंडिया ऑन माई माइंड एंड सर्विस इन माई हार्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।